आओ नेकी की तरफ, आओ भलाई की तरफ। सुनिए इस रमदान आरजे महाविश और हमारे स्पेशल गेस्ट लाइफ कोच मोटिवेशनल स्पीकर आमिर खादिम हुसैन को हया अलल फला में। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं हया अलल फला और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे महाविश खान और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आमिर खादिम हुसैन साहब, तो उनको वेलकम करते हैं स्टूडियो में अपने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप बताइए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आज भी एक बहुत ही अहम टॉपिक के साथ इंशाल्लाह हम अपने शो को करेंगे। अच्छा, आजकल की दुनिया में जो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोगों के कुछ मसाइल हैं जो कि शायद पहले के ज़माने में इतने मसाइल नहीं हुआ करते थे, तो वो भी आजकल क्योंकि इतनी बिजी लाइफ है, हर कोई अपनी अपनी ज़िंदगी में मतलब सुबह से लेकर रात तक उलझा हुआ है, तो कुछ हमारे सामने चैलेंजेस होते हैं। उसमें से एक चैलेंज ये भी है कि किस तरह से अपनी सेहत का ख्याल रखा जाए, अपनी वेलबींग का ख्याल रखा जाए और काफ़ी हद तक मतलब जो है ना आप इस तरह की कंडीशन में रह सकें जहाँ पे आपको हर चीज़ का इदराक हो कि क्या कुछ आपके इर्द गिर्द हो रहा है और साथ में अपनी भी आपकी जो अपनी ज़ात को लेके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मतलब हमारे ऊपर एक तरह से देखा जाए तो फ़र्ज़ हैं लेकिन हम वो निगलेक्ट किया हुआ होता है। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे कि किस तरह से इस्लाम हमें हेल्प आउट कर सकता है हमारी पर्सनल माइंडफुलनेस के लिए और हमारी जो है ना वेलबींग के हवाले से। जी जी, अच्छा सबसे पहले तो मेरा यही सवाल है कि आजकल के वक्त में हम लोग मतलब इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा फील कर रहे हैं, तो इसके पीछे आपको क्या रीजंस क्या लगते हैं? देखिए, इंसान जब तक इंसान चूँकि ये एक नेचर का हिस्सा है, हम कुदरत का एक हिस्सा है, उस जो एक कॉस्मिक बैलेंस है ना पूरी दुनिया का, उसका एक छोटा सा पार्ट हम भी हैं, और उस पार्ट में अगर जैसे इंसान अब से समझें कि 100 साल पहले तक, 100 साल पहले वाले इंसान में और 1000 साल पहले वाले इंसान में कुछ खास फर्क नहीं था, या 100 साल कहें आप कह दें 150 साल पीछे चले जाएं हम लोग, तो 150 साल पहले लोग वही घोड़ा गाड़ियों पर सफर कर रहे थे, और अगर आप 1000 साल 1500 साल पीछे चले जाएं तब भी घोड़ा गाड़ियों पर लोग सफर कर रहे थे, और इसी तरह उनके मकानात की भी साख्त कुछ कमोबेश वैसी ही थी, उनकी जिंदगी का लाइफस्टाइल भी कमोबेश वैसा ही था, खाने को लोगों के पास कम होता था, बहुत अमीर कबीर लोग जो थे वो सिर्फ ज्यादा खाना अफोर्ड कर सकते थे, वरना आम लोगों के पास 2 वक्त की रोटी होती थी। आज तक जो हम लोग कहते हैं ना जी 2 वक्त की रोटी, तो असल में वो मुहावरा कहाँ से आ रहा है कि जी लोग 2 वक्त का खाना खाया करते थे, इससे ज्यादा हुआ ही नहीं करता था, और जो बहुत मालदार बहुत ऊंचे घरानों के लोग होते थे उनके पास इतना होता था कि वो बचा के भी रखें और खाएं वक्त बे वक्त खाएं। तो उस इसलिए हमारे माशरे में आज भी यही बात चलती आती है जी खाते पीते घराने से हैं। जब कोई मोटा होता है, कोई ओवरवेट होता है, तो हम कहते हैं जी खाते पीते घराने से हैं। तो ये हम उस वक्त की यादाश्तें जो है ना वो आगे लेके चल रहे हैं। तो अब क्या हो गया मामला के बीच में हमारे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और फिर एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन और फिर टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, इन सब ने मिल मिला के इंसान को बिल्कुल तब्दील करके रख दिया इन 150 सालों में खास तौर पे, और अगर हम पिछले 30-40 साल में चले जाएं तो आप देखिए कि हम कहां से कहां आ गए। इन सब इतनी तेज रफ्तारी के साथ होती हुई चेंजेस जो हैं ने इंसान को अपने इर्द गिर्द से अपने माहौल से जो है वो उस अलाइनमेंट से बाहर कर दिया है, मिस अलाइनमेंट हो गई अब इसकी, और इसका नतीजा यही है कि अब हमारे देखें हम लोग अब से थोड़े अरसे पहले तक एक गांव में रहा करते थे, यही 150 साल पीछे चले जाइए, गांव थे, शहर थे भी बड़े बड़े, तो वो क्या होंगे 1-2 लाख लोग, और उसमें भी आपकी बरादरियां और खानदान ये सब मिलजुल के रहा करते थे। इंसान का जहन जो है ना वो एक रिसर्च है जो कहती है कि जी लोग इंसान जो है ना वो 150 लोगों के साथ जो है ना उसका ट्राइब बनता है, उसका कबीला बनता है, और इन 150 लोगों के साथ जो कनेक्शन है ना इसका ये मजबूत रह सकता है। आज हम 1.5 अरब लोगों के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है। गजा की हमने बात की, गजा हमारी बिल्कुल अलग अलग हो गई है, और ये पहले तो चले ये था कि ज्यादा खाने को मिला, अब जो है वो हमें जो खाने को मिल रहा है वो उसमें से ज्यादातर चीजें उनको आप असली खाना नहीं कह सकते, वो चीजें नहीं है जो नेचर ने हमें उगा के दी है। ये हर चीज जो हम खा रहे हैं वो किसी पैकेट से निकल रही है, किसी डब्बे में से निकल रही है,
फिर वो हम लोग जितने लोगों से कनेक्टेड हो गए, फिर हम जो सुबह शाम दिन रात हमारे जहन की जो एक्टिविटी बढ़ गई है, तो ये सब चीजें जो है मिला जुला के, ये सब चीज़ों ने जो है वो इंसान को अपनी फितरत से बहुत यानी कि आप कहें कि फितरत से दूर कर दिया। और इसका लाजमी नतीजा ये है कि देखें, कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जिंदगी जो है वो अपनी फितरत से जब अलग होती है तो फिर उसके अंदर मसले मसाइल आना शुरू हो जाते हैं, और जो कि आज हम इंसानों में देख रहे हैं कि अब ये डिप्रेशंस हैं, एंग्जाइटीज़ हैं, और इनकी वजह से फिर फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो ये सब जो है ये हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल है इसका जिम्मेदार। अच्छा, ये मॉडर्न लाइफस्टाइल तो लेकिन बाहर रहने के लिए है, ये मतलब ये तब्दील होना कोई इतनी आसान बात नहीं है। हमें चाहिए कि बाहर खाने पीने के मामलों में, सोने जागने के मामले में, और कनेक्टेडनेस, कितने हम लोगों के साथ जुड़े रहते हैं ऑल द टाइम, इन सब बातों में हम थोड़ी सी एहतियात करके अपने आप को थोड़ा सा रिवर्स लें। लेकिन फिर भी इतने सारे मामला हैं जो हमारे कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हैं, तो उसका लाजमी नतीजा वही है जो हम देख रहे हैं कि हमें बहरहाल फिर अब इन सब साइंसेस की जरूरत पड़ी कि हम किस तरह लोगों की भीड़ में रहते हुए थोड़ी देर के लिए अपने आप को अकेला कर सकें। तो माइंडफुलनेस आ गई, मेडिटेशन आ गई, और इसी तरह इन सब चीज़ों के होते हुए और हमारे हर वक्त 24 घंटे हमारे दिमाग के चलते रहने से और हमारी बॉडी के चलते रहने से जो मसले मसाइल हम ले रहे हैं, तो उसके नतीजे में हमें अब एक साइंस ऑफ वेलबींग को डेवलप करना पड़ा कि जी इंसान ज़रा ध्यान तो करे कुछ अपने खाने पीने पे, कुछ अपने सोने पे जागने पे, और कुछ अपनी। अब आप देखिए कि हम यहाँ मिडल ईस्ट में रहते हैं और 90%, ये मैं डॉक्टर नहीं हूँ और मैं मेरा ख्याल है, लेकिन मैं मेरा मुशाहिदा ये है कि 90% लोगों को विटामिन डी की कमी है। हालांकि कितनी धूप है यहाँ पे, लेकिन लाइफस्टाइल ये है कि हम धूप में जाते नहीं है। हम विटामिन डी का सबसे बड़ा सोर्स जो है वो सूरज है, और हम इस सहरा के दरमियान में रहते हुए हम सूरज से महरूम हैं और हम अपनी उस विटामिन डी से महरूम हैं, और जिसका नतीजा आपको कोई भी डॉक्टर साहब बताएंगे कि हर चीज के ऊपर इफेक्ट करता है आपकी बॉडी के, आपकी रिकवरी पे, आपकी ग्रोथ पे, आपके ब्लड के की क्वालिटी पे, आपके सोने जागने की क्वालिटी पे, आपके वेट गेन की कैपेसिटी पे, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। तो फिर हम लोगों को लाजमन इन चीजों की तरफ रुजू करना पड़ा और करना चाहिए भी। सही। अच्छा, उसमें एक और जो मसला है वो ये है कि हमारा जो एक तनह से देखा जाए हमारी अटेंशन बहुत कम हो गई है, हम फोकस बहुत कम कर पाते हैं चीज़ों पे, और हमें भूलने की भी आदत हो गई है एक तनह से देखा जाए तो। मतलब हम लोगों को मतलब अटेंशन स्पैन जो है हमारा वो बहुत ही महदूद होकर रह गया है। तो इसके पीछे बेसिकली मतलब बहुत हद तक तो शायद सोशल मीडिया और ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट वगैरह, उसका भी हाथ है कि आज हम लोग किसी एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा देर तक फोकस नहीं कर पाते। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि बहरहाल दिमाग को काम करने के लिए दोनों चीज़ें चाहिए, एक्टिविटी भी चाहिए और रेस्ट भी चाहिए। अब हमारे जो रेस्ट के पीरियड्स हैं वो कम से कम होते चले जा रहे हैं, और उसके अंदर भी हमने समझे कि देखें, जैसे मैंने कहा ना कि जब हम फितरत से अनअलाइन होते हैं तो ऐसे मसाइल भी जन्म लेते हैं जो हमें फौरन नहीं पता लगते। अब ये मोबाइल फोन्स और टीवी स्क्रीन्स और लैपटॉप्स, ये हर जो डिवाइस है ये एक लाइट इमिट कर रहा है जिसको ब्लू लाइट कहते हैं। अच्छा, ये ब्लू लाइट आपको बताती है, आपके जहन को एक अंदर के हिस्से को ये सिग्नल देती है कि इस वक्त दिन है। तो आपके अंदर आपकी जो दिमाग की एक्टिविटी है वो दिन के हिसाब से जनरेट होती है। इसलिए मसला क्या होता है, अब हम रात को सोने से पहले आखिरी काम क्या करते हैं, हम अपने मोबाइल को देखते हैं एक दफा फिर, और इसका नतीजा ये निकलता है कि हमारे जब हम सो भी रहे होते हैं तो भी हम उस पूरी तरह जो रेस्टफुल स्लीप है, जो डीप स्लीप है, वो नहीं ले पा रहे होते, बल्कि हमारी स्लीप जो है वो एक बहुत ही लाइट स्लीप होती है। उसका नतीजा क्या निकलता है कि हम अगले दिन सुबह उठते हैं, 6 घंटे सोएं, 8 घंटे सोएं, 10 घंटे सोएं, हम सुबह उठते हैं तो हम थके हुए होते हैं, क्योंकि दिमाग उस स्टेट के अंदर गया ही नहीं जिसके अंदर दिमाग और जिस्म की रिपेयरिंग का काम शुरू होता। तो ये सारे मसाइल मिलके यकीनन इस इन मसलों को जन्म देते हैं। सही। और जब इतने मतलब हमारे अगर देखा जाए साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जब भी हो जाते हैं तो हर बंदा, चाहे वो जिस मज़हब का भी हो, जिस मज़हब से ताल्लुक रखता हो, तो वो थोड़ा सा अपने मज़हब से अपने आप को जोड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो हमें हमारे ये जो मज़हब है और अपने दीन को फॉलो करना उसी से मिलता है। तो मैं ये जानना चाहूँगी कुरान में किस तरह से इस तरह जो है ना माइंडफुलनेस के लिए, हमारी पर्सनल वेलबींग के लिए किस तरह की हिदायत मौजूद हैं। जी,
तो देखिए हम कुरान से पहले और कुरान ही के अंदर आप देखिए कि तमाम अंबिया का जब जिक्र है तो हमारे मॉडर्न इंसान की आज एक जो ख्वाहिश है वो ये है कि जी मैं किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करूं और उस कंजम्पशन के नतीजे में मुझे खुशी हासिल हो जाए। जब हम इंसान को डिफाइन करते हैं ना तो अब हम अपने आप को जब डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि जी क्या मैं कामयाब हूँ या नाकाम, तो इसका फैसला करने के लिए हमने किन पैरामीटर्स को, किन इंडिकेटर्स को चुना है। तो देखें, मेरे पास अगर बड़ी गाड़ी है तो मैं कामयाब हूँ, मेरे पास अगर बहुत सा पैसा है तो मैं कामयाब हूँ, मैंने अपने लिए ये पैरामीटर्स चुने हैं। अच्छा, और इनका मकसद क्या है? ये है यानी कि मैं अगर ज़्यादा बड़ा कंज्यूमर हूँ तो मैं कामयाब हूँ, और जो कोई ज़्यादा बड़ा कंज्यूमर नहीं है, देखें जो हज़ार गज के घर में रहता है वो बड़ा कंज्यूमर है, और वो बड़ा कंज्यूमर होने की वजह से बड़ा आदमी है, सक्सेसफुल है। जिसकी बड़ी गाड़ी है, जो ज़्यादा पेट्रोल जलाता है, वो चूंकि वो बड़ा कंज्यूमर है इसलिए वो एक कामयाब आदमी है। तो इसी तरह, और असल में होना क्या चाहिए था कि हम अपनी सक्सेस को, अपनी कामयाबी को इस बात पर डिफाइन करते कि मैं कितना बड़ा प्रोड्यूसर हूँ, मैं कितनी क्वालिटी ऐड करता हूँ, मैं कितना बड़ा कंट्रीब्यूटर हूँ दुनिया में, लोगों के लिए, अपने इर्द गिर्द वालों के लिए, माशरे के लिए। तो अगर मैं कंट्रीब्यूशन बेस्ड अपना सिस्टम देखता तो मामला बिल्कुल उसके उलट होता। तो मैं फिर, मुझे ज़रूरत नहीं थी कि मैं हज़ार गज के बंगले में रह के ही सिर्फ खुश रह सकूँगा, बल्कि मैं एक छोटे से घर के अंदर रह के भी खुश रहता। अब आप देखिए, वो जो एक साहब हैं वॉरेन बफे, वही उस दुनिया के अमीर तरीन अफराद में से एक हैं, लेकिन उनके मुतालिक यही कहा जाता है कि एक छोटे से घर में रहते हैं। ठीक है, तो उस इंसान ने अपने आप को समझा इस बात को कि मुझे ज़रूरी नहीं है, मेरी वैल्यू जो है वो मेरी कंजम्पशन डिफाइन नहीं करेगी, बल्कि मैं कितना बड़ा कंट्रीब्यूटर हूँ दुनिया के अंदर, ये मेरी वैल्यू को डिफाइन करेगा। तो वो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर के फंड को मैनेज करते हैं। कुरान जो है वो हमारे सामने जिन हस्तियों को लाता है आइडियल्स के तौर पे, वो अंबिया की हस्ती हैं। अंबिया की हस्ती के अंदर हमें देख नज़र आता है हमेशा कि ज़्यादातर तो ये है कि ये शान व शौकत, ये दुनिया की आसाइशात मौजूद नहीं होती, और उनकी जिंदगियां, यानी कि इक्का दुक्का एक्सेप्शन के को अगर हम छोड़ दें, यानी कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और या कुछ और जो अंबिया हैं जिन जो बादशाह हुए, उन सब को आप छोड़ दें, तो दुनिया की ज़िंदगी इन अंबिया की हमने देखा कि बहुत ही सख्त गुजरी। अच्छा, इनके अंदर मुसलसल मसाइब आते रहे, मुसलसल टेस्ट आते रहे, मुश्किलात आती रहीं। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को आप देखिए कि सबसे पहले तो बाप नहीं जो है वो इनकार किया दीन से, आग कर दिया, खुद जाके अदालत में पेश कर दिया, फिर वहाँ पर उनके खिलाफ फैसले हुए, आग में फेंका गया, वहाँ मुल्क से निकाला गया, दूसरे मुल्क में जाके रहे हैं, तो वहाँ पे इतने अरसे के बाद जब एक बेटा हुआ है तो अल्लाह ताला उनको कहते हैं कि जी इसको कुर्बान कर दो। ये सारे मसाइब से उनको गुजारा गया, और सबसे ज़्यादा मसाइब जो हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के मुताबिक, आप सब जितने अम्बिया पे मसाइब गुजरे थे आप सब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उन सबसे ज़्यादा मसाइब गुजरे। लेकिन अब जो कुरान हमें सिखाता है वो क्या है इनकी ज़िंदगियों से, कि मसाइब का मतलब जो है वो इंसान का कम हिम्मत हो जाना, हार जाना नहीं है, बल्कि असल इंसान बनता ही मुश्किलात के अंदर है, मुश्किलात के। और अल्लाह ताला ने ये वादा किया है, अल्लाह ताला कहते हैं वला नब्लुवन्नकुम बिशयइन मिनल खौफि वल जुई व नक्सिम मिनल अमवाली वल अनफुसि वस्समरात व बशरिस साबिरीन। अल्लाह ताला कहते हैं हम तुम्हें आजमाएंगे खौफ से, भूख से, तुम्हारी जानों के नुकसान से, तुम्हारे मालों के, तुम्हारी कोशिशों के नुकसान से, लेकिन याद रखो कि साबिरीन जो हैं, जो इस सब चीज़ों पे सब्र करके खड़े रहेंगे, उनके लिए बशारते हैं। अच्छा, ये तो एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट में आया और अल्लाह के रास्ते में कोशिशें करने और जिहाद करने के कॉन्टेक्स्ट में था, लेकिन आम जिंदगी के अंदर भी अल्लाह का उसूल यही है कि हम दुनिया जो है वो उसको दुनिया कहते इसलिए कि ये जन्नत नहीं है, ये दुनिया है। जन्नत वो जगह है जहाँ पे हमें कोई मसला नहीं आएगा, जहाँ पे जो है वो मुसलसल आराम की सी एक कैफियत होगी। वरना जब तक हम दुनिया में रहते हैं तब तक तो हमारे पास मसले मसाइब आते रहेंगे, मुश्किलात आती रहेंगी, और उनसे हमें एक अज़्म और एक हिम्मत के साथ, सब्र के साथ उनसे निमटना है। कुरान का मैसेज यही है।
तो कुरान आपको कोई रोजी सी पिक्चर नहीं दिखाता कि भाई देखो तुम देखें ये, अब आप समझिए ना कि जिनको प्रॉब्लम्स होते हैं, परेशानियां होती हैं, वो क्या रास्ते अख्तियार कर सकते हैं। एक रास्ता वो होता है जिसको ये ड्रग्स का रास्ता होता है, ठीक है जी, वो ड्रग्स चाहे लीगल हो या इलीगल, ठीक है, कुछ इलीगल ड्रग्स हैं जी, इंजेक्शन लगा लिए इसके उसके, और लीगल ड्रग्स हैं जो विलियम्स खाते रहते हैं, आज पूरी दुनिया खा रही है, ठीक है, सुकून आवर दवाएं, मुसक्कन दवाएं, और जितने डेवलप्ड सोसाइटीज हैं उनके अंदर उतना ज्यादा उनका इस्तेमाल है। और दूसरा यह है कि इंसान खड़ा हो जाए और अल्लाह पे भरोसा करते हुए इन सब चीजों का, इन मुश्किलात का सामना करे। तो अल्लाह कौन सा रास्ता दिखा रहे हैं? अल्लाह ताला ये वाला रास्ता दिखा रहे हैं। अल्लाह ताला कहते हैं मुबशिर सबरीन, सब्र करने वालों के लिए जो है वो है बशारतें। और अल्लाह ताला यकीन दिला रहे हैं कि इन्ना माअल उस्री युस्रा, इन्ना माअल उस्री युस्रा, हर मुश्किल के बाद आसानी है, हर मुश्किल के बाद आसानी है। अगर इंसान को इस बात का यकीन हो कि मैं अगर इस मुश्किल में खड़ा रहा और चलता रहा, इसके आगे आसानी है। लोग जाहिर सी बात है कब हिम्मत हार जाते हैं, वही मामला है ना कि हिम्मत हार जाते हैं तो वहाँ आजकल जो एक बात कही जाती है, कहते हैं यू डोंट फेल व्हेन यू व्हेन यू आर अनसक्सेसफुल, यू फेल व्हेन यू लूज होप। तो लोग कहते हैं जी हमसे होगा नहीं, ये चीज इंसान को मायूसी में डाल देती है। अल्लाह ताला कहते हैं ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, तुम्हारे ऊपर तो कोई परेशानी आ ही नहीं सकती जिसके तुम काबिल ना हो। तो जिस प्रॉब्लम से जो भी जहां कहीं भी उस जिस प्रॉब्लम के अंदर का शिकार है या जिस प्रॉब्लम से लड़ रहा है, उसके लिए कितनी एक उम्मीद अफजा आयत है कि अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी औकात से, तुम्हारी तुम्हारी इस्तेताअत से ज्यादा का प्रॉब्लम नहीं देना। तो ये जो भी प्रॉब्लम तुम फेस कर रहे हो अभी, वो तुम्हारी इस्तेताअत के अंदर लाजमन है। तो ये सब आयात और इस तरह की बेशुमार आयात, वो अल्लैसा लिलइंसान इल्ला मा सआ, और इंसान के लिए कुछ नहीं है सिवाय उसके जिसके लिए वो कोशिश करे, ठीक है ना। तो हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकता इंसान। तो ये सब बातें हमें बताती हैं कि दीन जो है हमारा, वो हमें एक उम्मीद का सबक देता है, हमें मुसलसल कोशिश का हुक्म देता है, अल्लाह पे उम्मीद रखने का, और मायूसी को कुफ्र करार देते हुए वो कहता है कि जी तुम आगे चलते रहो, खड़े रहो। और ये चीज़ जिस इंसान के अंदर पैदा हो जाए तो उसके लिए जो है वो माइंडफुलनेस और वेलनेस के दरवाजे बहुत बड़े बड़े कुशादा खुल जाते हैं अल्लाह के हुक्म से। बेशक। अच्छा भी आपने कहा कि हर मुश्किल के साथ आसानी है, और बाकी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा पहले कुछ अरसे पहले तक मैंने जो इसका तर्जुमा सुना हुआ था ना, वो ये था कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, लेकिन अभी कुछ रिसेंटली ही मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि नहीं, इसका सही तर्जुमा हर मुश्किल के साथ आसानी है। और वाकई मतलब कोई भी किसी किस्म की मुश्किल आती है तो मुश्किल खुद एक अपॉर्चुनिटी होती है, जैसे अभी आपने भी बताया, तो बिल्कुल इसी तरह का मामला है। अच्छा अभी जैसे ये एक मामला हो गया है कि हम लोगों की ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, बाज़ औक़ात कुछ लोगों की ख्वाहिशात के वो बाकायदा ग़ुलाम होते हैं, बेलगाम होती हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि आप अपनी जो ये लग्जरी की ख्वाहिश है और ये जो सारी जो ख्वाहिशात हैं इनको किसी तरीके से लिमिट कर सकें? देखें वाकईतन ये ख्वाहिशात तो हमारी लिमिटलेस हैं, और ये असल में हमारी, हमने एक पिछले प्रोग्राम में बात की थी इस मुतालिक कि हमारा जो अंदर हमारे एक नफ्स है जिसको नफ्स अम्मारा कहा अल्लाह ताला ने, जिसका पर्पज़ ही ये है कि वो मुसलसल हमसे डिमांड्स करता रहे। साइकोलॉजी की लैंग्वेज में इसको कहा जाता है इड या द चाइल्ड सेल्फ। ये बच्चा वजूद है हमारे अंदर, एक बच्चा सा है, और जिस तरह बच्चे को ये फिक्र नहीं होती कि मेरी जो भी ख्वाहिश है ये माँ बाप पूरी कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये रात का कौन सा वक्त है जिसमें मैं चीज़ मांग रहा हूँ, तो उसी तरह इस नफ्स को भी कोई परवाह नहीं है, और ये इसका काम मुसलसल डिमांड करना है। जिस तरह एक बच्चा जो है आप उसकी डिमांड्स ख़त्म नहीं होती, अगर आप उसको एक खिलौना ला के दे देंगे तो वो दूसरा मांगेगा, दूसरा ला देंगे तो दसवां मांगेगा, और ये इस तरह चलती रहती हैं। बल्कि मर्ज बढ़ता गया, जूझू दवा की वाला मामला है कि इसको जितना फीड करेंगे, जितना ज़्यादा इस नफ्स को आप खिलाएंगे पिलाएंगे, तो उतना ही इस नफ्स के मोटा होने का और ताकतवर होने का ये रास्ता हमवार होगा, और उतना ही ये डिमांड ज़्यादा करेगा। और जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि रोज़ा इस मामले के लिए बेहतरीन है कि अल्लाह ताला हमें इस नफ्स को ना कहना सिखाते हैं। हम अपने नफ्स को इसकी जो एक बेसिक डिमांड है खाना पीना, इसको
जो है वो अल्लाह ताला हमें ना करने के काबिल बनाते हैं, वरना पूरी दुनिया इस प्रॉब्लम के साथ जो है वो जूझ रही होती है कि जी हम खाने को खाना आ जाता है हमारे सामने तो हम ना नहीं कर सकते। तो ये जो बात है कि नफ्स जो है वो हम, इसका मामला ये है कि मुसलसल तकाजे करता रहता है, और ये आज की बात नहीं है, हमेशा की बात है। लेकिन आज जो मैंने आपसे फ़र्क प्रोग्राम के शुरू में बयान किया कि आज चीज़ें हमारी रीच के अंदर आ गई हैं बहुत सारी। दुनिया जो है वो सिमट के एक ग्लोबल विलेज बन गई है। तो आप चाइना का फल खाना चाहें तो वो एक आपके सुपर स्टोर में दस्तियाब है। आप जापान की गाड़ी खरीदना चाहें तो वो आपके शोरूम में दस्तियाब है। आप दुनिया जहान की जो आसाइशात हैं वो आपके सामने हैं, और दुनिया जहान की जो आसाइशात पैदा हो रही हैं वो इंटरनेट के जरिए आपके सामने हैं, वो आपको लुभा रही हैं। जैसे इकबाल ने कहा था कि नज़र को खीरा करती है चमक तहजीब हाजिर की। तो अब तहजीब हाजिर तो इकबाल के जमाने में क्या उसकी नजरों को खीरा करने वाली चमक होगी जो आज है। तो और ये जो दुनिया है आजकल की, ये है कंज्यूमरिज्म की दुनिया। आप सोचिए कि अच्छा, इसमें भी एक बड़ी मजे की बात है कि मुसलमानों को आप देखिए तो हमारा दीन एंटी कंज्यूमर है, एंटी कंज्यूमरिज्म है। ना तो खरीदने वाला हर चीज बेलगाम खरीद सकता है। अल्लाह ताला ने फरमाया खाओ पियो ज्यादती ना करो, खाओ पियो जो तुम्हें अच्छा लगता है, जो हलाल चीजें हैं, पाकीजा चीजें हैं। अल्लाह ताला ने वो जो है ना, जो बुद्ध मत है या ईसाई रहबानियत का जो कॉन्सेप्ट है कि इसमें कहा गया भाई खाओ पियो ही नहीं, अपने आप को तकलीफ दो तभी तुम अल्लाह तक पहुंचोगे, नहीं कहा गया आप खाएं आप पिए, जो चीजें अल्लाह ताला ने जो जीनत बनाई है उनको इख्तियार करें। लेकिन वला तुसरिफू, लेकिन उसके अंदर इसराफ ना करो, बहुत ज्यादती ना करो। तो हमें बताया गया कि आपने कंज्यूमर बन के नहीं दुनिया में जिंदगी गुजारनी कि जी हल मिन मजीद, इसके आगे क्या, इसके आगे क्या, इसके आगे क्या। बल्कि हमें बेसिक हमारी नेसेसिटीज पूरी हो जाएं तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि जी हम अल्लाह की तरफ रुजू करें, हम देखें कि अल्लाह ताला हमसे क्या चाहता है, हम मुआशरे में किस तरह एक कारामद फर्द की जो है वो काम जो है वो अंजाम दे सकते हैं। तो और यही देखें कि एक औरतें ज्यादा बड़ी कंज्यूमर होती हैं आम तौर पे। एक औरत जो दीन के रास्ते पे चल रही हो, अब उसने कोई ज्यादा मेकअप नहीं करना, उसको ज्यादा कपड़ों की जरूरत नहीं, उसको किसी को दिखाना नहीं है, वो नहीं दिखाएगी तो दूसरियां नहीं देखेंगी तो वो आगे जाके उसकी ख्वाहिश नहीं करेंगी। तो पूरा जो कंज्यूमरिज्म की बुनियाद के ऊपर खड़ा हुआ ये महल है। बात यह कि आप देखें कि जो इस्लाम जो है वो बहरहाल एंटी कंज्यूमर है, मर्द के लिए भी उसी तरह की हुदूद और कयूद है। आप अच्छा कपड़ा पहन सकते हैं लेकिन उसमें भी इसराफ का हुक्म नहीं। इसराफ क्या है कि आप एक शर्ट है जो कि चले जी 100 रियाल की आती है, बहुत अच्छी शर्ट है तो 500 रियाल की आती है, बहुत ही अच्छी है तो 1000 रियाल की आएगी। लेकिन अगर आप 25,000 रियाल की शर्ट पहनते हैं तो ये इसराफ है, ये सही चीज में हलाल चीज में ज्यादा खर्च करना, ये अल्लाह ताला कहते हैं ये इसराफ जो है ये गलत है। दूसरी चीज तबवीर है। और ये देखिए जो आपने कहा ना ख्वाहिशात का बेलगाम होना, तो इनके पीछे ये दो बहुत बड़े बड़े जो है रीजंस जो हैं वो इसराफ और तबजीर के हैं। तबजीर क्या है? तबजीर है दूसरे को दिखाने के लिए खर्च करना। और इसके लिए अल्लाह ताला ने कहा इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानु इख्वाना शयातीन। अपने लिए भी जो कहते हैं ना जी हम तो अपने लिए तैयार हो रहे हैं, तो जी 25,000 के लिए की तैयारी नहीं कर सकते आप। हर अच्छा इस्लाम ने कोई हद नहीं लगाई, लेकिन बात यह है कि हर चीज में एक मयाना रवि को इख्तियार करने का हुक्म दे दिया, तो ये मोटा उसूल है, इसको अपना लें। अब दूसरी चीज क्या है? दूसरे को दिखाने के लिए, तो वो तो कहते हैं वो शैतान के भाई हैं जो दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, इससे तो मुआशरे में फसाद पैदा होगा। तो इस्लाम तो वो निप द ईविल इन द बड के उसूल पे काम कर रहा है कि वो कह रहा है जी आप अगर कोई मालदार है वो अपना माल ना दिखाए। हुक्म यहाँ तक आ गया कि भाई अगर तुम फल खाते हो पड़ोसी को भी भिजवाओ, अगर तुम्हें पता है कि पड़ोसी की हैसियत नहीं है फल खाने की तो उसको भी भिजवाओ, नहीं भिजवा सकते तो अपने छिलके बाहर मत फेंको खाने फलों के, कि उसको देख के उसकी ख्वाहिश हो। तो यहाँ पे बड़े बड़ी गाड़ियों में घूमना और बड़े बड़े महलात तामीर करना और बहुत बड़े लेविश किस्म की शादियां करना कि जी जिंदगी में एक दफा होती है, ये सब चीजें जो हैं ये इस्लाम के मिजाज के बिल्कुल बरखिलाफ हैं। और जब हमने ये सब चीजें इख्तियार की हैं तो वाकईतन ख्वाहिशात बेलगाम हो रही हैं, और ख्वाहिशात
मजीद बेलगाम होंगी जब हम इनको छोड़ते चले जाएंगे। देखें ये एक सवार और घोड़े का सा ताल्लुक है कि अगर घोड़ा मजबूत है, बहुत बहुत ही ताकतवर घोड़ा है, तो अब सवार की मर्जी नहीं चल रही उस पर, वो तो घोड़ा जहां मर्जी आ रहा है उसको लेके जा रहा है, अब वो सिराते मुस्तकीम पे तो नहीं जाएगा उसके साथ, वो तो जाएगा जहां उसको कोई अच्छी चीज, हरी हरी घास मिलेगी, जहां उसको कुछ मजे मजे के खाने नजर आ रहे होंगे, ये घोड़ा उसको लेके वहां जाएगा। जबकि सवार, ये जो हमारा शऊर है, ये जो हमारा नफ्स लवामा है, जो अल्लाह ताला ने हमारी रूह को रखा हुआ है, ये सब चीजें मजबूत होंगी तो हम उस घोड़े को यही जिस्म, यही नफ्स अम्मारा हमारे काम के लिए जरूरी है। देखें, हम कोई भी काम करते हैं दुनिया में तो वो हमारे इसी जिस्म से सादर होता है। हमें अगर कोई बिजनेस खड़ा करना है, हमें इसी जिस्म से मेहनत करनी है, हमें खेती करनी है, हमें इसी जिस्म से मेहनत करनी है, लेकिन इस जिस्म को ताबे होना चाहिए उस रूह और उस शऊर के। अगर हमने इसको आज़ाद छोड़ा और हमने इसकी एक ख्वाहिश को माना तो ये दूसरी सामने रखेगा, दूसरी को माना तो ये तीसरी, और इसका सिलसिला जो है वो ख़त्म नहीं होने वाला। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे हम एक ब्रेक लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं तो इंशाल्लाह इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। तो लिस्टर्स, यहाँ पे एक ब्रेक लीजिए और वापस आइए, बस हम यहीं पे मौजूद हैं और थोड़ी ही देर में हम फिर आपको मिलते हैं। आप सुन रहे हैं हया अल फलाह विद आरजे महविश, ओनली ऑन एफएम 107, दिल से देसी। जी लिस्टर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं हया अल फलाह और बातचीत चल रही है। आज हम माइंडफुलनेस पे बात कर रहे हैं, वेलबींग पे बात कर रहे हैं, उससे कनेक्टेड जितने भी इश्यूज हैं हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, अभी आप जब बात कर रहे थे तो मेरे जहन में आया, अभी कुछ अर्से पहले मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, जिसपे मतलब यूजली जब इस तरह की जो मौजूद हैं ना, तो हम लोगों का एक कॉन्सेप्ट होता है कि शायद इस पर तो हमें कोई हिदायत इस्लाम की तरफ से नहीं मिली, जो भी होगा वो मतलब साइंस ने कहा होगा, या कि कुछ अभी हमें इस वक्त रिसेंट जो आर्टिकल्स हैं वो हमें कुछ ना कुछ इस हवाले से गाइडेंस देंगे। लेकिन जब मैंने उस पर रिसर्च शुरू की तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि कुरान में मुकम्मल तौर पे तफसीलात मौजूद हैं और उसमें एक एक चीज़ की निशानदेही, जैसे भी आप फजूल खर्ची बता रहे थे, इसराफ बता रहे थे, तो ये सारी चीज़ें वही आ जाती हैं कि जब हम बहुत ज़्यादा कंज्यूमर बन रहे होते हैं, हम लोग बहुत प्रोडक्ट्स खरीद रहे होते हैं, अपने घरों को भर रहे होते हैं, तो बेसिकली हम लोग बहुत बड़ा अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं ग्लोबल वार्मिंग में। और इस्लाम ने हमें बहुत ही एक सिंपल लाइफ का कॉन्सेप्ट इसलिए दिया था कि हम ना सिर्फ ये कि अपने आप ज़िंदगी मतलब एक सादा तर्ज के ऊपर गुजार सकें, दूसरों के काम आ सकें, और साथ ही साथ ये जो दुनिया के जो बढ़ते हुए मसाइल हैं, इस तरह की चीज़ों में हम इजाफा ना करें, हमारी वजह से ये मसाइल पैदा ना हो। लेकिन चूंकि वही है कि हम अपने हाल के बारे में सोच रहे होते हैं और हमें सिर्फ अपनी फिक्र होती है, तो हम चीज़ों के ऊपर गौर ही नहीं करते। तो इसी हवाले से थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि अगर मतलब कुछ आप कुरान से रहनुमाई करें कि किस तरह कुरान हमें एक सिंपल लाइफ की तरफ मतलब रागिब करता है, दूसरी चीज़ ये भी कि हम किस तरह से रीस्टैब्लिश कर सकते हैं, जैसे इस वक्त जब हम करंट लाइफ में रह रहे हैं, जो एक हमारा रीसेंट टाइम है, उसमें हमारे पास हद से ज़्यादा लग्जरीज हैं, हर चीज़ हमें मिल जाती है, लेकिन इसी में किस तरह ये मुमकिन है कि हम रीस्टैब्लिश कर सकें उस सिंपलिसिटी को जिसकी तालीमात हमारा दीन हमें दे रहा है। जी, तो देखें, आपने ग्लोबल वार्मिंग की बात की और उसका ताल्लुक हमारे कंज्यूमरिज्म से आपने बिल्कुल सही जोड़ा, और मैं अगर इस आज के टॉपिक से इसका ताल्लुक जोड़ूँ तो देखें फिर वही बात है कि हम फितरत से दूर हो गए। नतीजा ये निकला कि अब ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हमें फितरत से मजीद दूर कर रही है, उसकी वजह से वेदर फिनोमेनाज हो रहे हैं, अजीब व गरीब जो है वो मौसमी तब्दीलियाँ हो रही हैं, गर्मियों में बर्फबारियाँ हो रही हैं, सर्दियों में जो है वो गर्मी पड़ रही है, तो फिर नतीजा मजीद दूरी है। तो उसका जो हल है वो यही है कि हम थोड़ा सा इन चीज़ों पर रिवर्स आएँ, हम लोग वापस आएँ, और वापसी के लिए हमारे पास हमेशा जो मशल राह रहती है वो कुरान और सुन्ना ही रहती है। और कुरान और सुन्ना देखें हमें क्या बताते हैं कि हमारे लिए जो उस्वा हसन है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है। कुरान ने आपको बहुत बड़े बड़े उसूल दे दिए, जैसे मैंने आपको कहा कि खाओ पियो मगर इसराफ ना करो, ये एक बहुत बड़ा उसूल है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हम देखें और जो प्रोफेटिक मॉडल ऑफ वेलबींग है ना, उसकी तरफ हम जाएँ, वो क्या है? वो है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक किसी से खिताब कर रहे थे, बता रहे थे कि एक तबीब था जो कि मदीना आया, और वो कहता है कि जी हमारे मेरे पास तो यहाँ पे कोई मरीज आता ही नहीं है, वो यहूदी था। तो आपको ने उनको बताया कि देखो तुम्हारे ऐसा नहीं है कि तुम्हारे यहूदी होने की वजह से लोग नहीं आ रहे तुम्हारे पास, बल्कि बात यह है कि यहाँ के लोग बीमार नहीं होते क्योंकि ये पेट भर के कभी खाना नहीं खाते। अच्छा, तो एक हमें उसूल मिल गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से बड़ा
पेट भर के खाना ना खाना, जगह छोड़े उसके लिए, पानी के लिए भी और हवा के लिए भी, जो कि बताया गया हमें। फिर सादा खाना खाना, ये पुरतायश खाने, ये बड़े बड़े दस्तरखान, ये बुफेज, और ये सब देखें कभी कभी के लिए चल सकती है कोई भी चीज़, लेकिन अगर ये हमारे रोज़मर्रा के मामलात हों। देखिए, हमने अपने बचपन में देखा था कि मुर्गी पकती थी तो हफ्ते में, महीने में एक दिन पका करती थी, और अब हमारा मसला ये कि हम जब तक मुर्गी खाने में ना हो तो खाना हजम नहीं होता। नतीजा इसका क्या है? इसका नतीजा है कि मुर्गियों की ओवर प्रोडक्शन करनी पड़ी। ये जो मुर्गी आज हम देख रहे हैं, जो 2-2.5 किलो की मुर्गी होती है, मुर्गी असलन 2-2.5 किलो का परिंदा नहीं है, वो तो बेचारा 700-750-800 ग्राम का परिंदा था टोटल। अब हमने उसको इंजेक्शन लगा लगा के माशाल्लाह इतनी मोटी मुर्गी बना दी, लेकिन नतीजा ये निकल रहा है कि वो हार्मोन्स हैं जो हम उनको डाल रहे हैं, वो स्टीरॉयड्स हैं जो हम उनमें डाल रहे हैं, वो स्टीरॉयड्स हमारे अंदर भी जा रहे हैं, और फिर अगेन वो हमारी वेलबींग जो है वो खतरे में पड़ जाती है इन सब चीज़ों की वजह से। तो आसान सा सलूशन यही है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को फॉलो करना शुरू कर दें, हमारे खाने पीने के मामले में, हमारे सोने जागने के मामले में, हमारे जो ईमान और यकीन का मामला है, क्योंकि देखें ये हमारी वेलबींग जो है वो मेंटल वेलबींग वो कितनी इम्पॉर्टेंट है, और मेंटल वेलबींग का जो सबसे बड़ा सहारा है ना वो रहती है उम्मीद। इंसान को उम्मीद होना और मायूसी ना हो तो वो 90% मसाइल जो है ना वो उससे बाहर निकल आता है। और हमारा दीन कहता है कि मायूसी कुफ्र है, अल्लाह ताला से जो है वो मायूस नहीं होना, ला तखनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कतन मायूस नहीं होना। तो ये सब होते हुए हमारा जो फिर भी ये मसले मसाइल हैं, तो उसकी फिर वजह एक तो हमारी इन सब चीज़ों से दूरी है, और या आप कह लें कि अगर दूरी ना हो तो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, लेकिन इसके बाद भी मैं एक बात कहना चाहूँगा कि बहरहाल जिस तरह जिस्मानी मसाइल होते हैं, जिस्मानी बीमारियां होती हैं, उस तरह कुछ ना कुछ जहनी बीमारियां भी मौजूद होती हैं, तो उनको उनके लिए भी बाज़ औक़ात हमारे लोग कह देते हैं जी आप नमाजें पढ़ें, कुरान पढ़ें, तो अगर किसी के टांग किसी की कट जाए तो उसको तो हम नहीं कहते कि भाई तुम नमाज पढ़ो, मतलब उसके टांग के कटने के इलाज के तौर पे तो उसको नमाज पढ़ने का नहीं कहा जाता। तो इसी तरह बहरहाल डिप्रेशंस और इससे रिलेटेड बीमारियां जो हैं, आपने अटेंशन का जिक्र किया, ADHD है और उससे मिलती जुलती और बहुत सारी बीमारियाँ हैं, तो ये बाकायदा बीमारियाँ और डिसबिलिटीज़ हैं, उनको उसी तरह ट्रीट करना चाहिए। उनके प्रोफेशनल्स हैं, जिस तरह टांग का एक सर्जन मिलेंगे आपको, तो उसी तरह जो दिमाग के प्रोफेशनल्स हैं उनके पास जाना चाहिए, मदद लेनी चाहिए। ये सिर्फ हम कहते हैं जी ये नई नई चीज़ें आ गई हैं, तो ये नई चीज़ें नहीं हैं, ये उसी तरह साइंस एक्सपेंड कर रही है ना। देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कोई पॉलिटिकल साइंस तो नहीं पढ़ता था, कोई जो है वो इंस्टीट्यूट तो नहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खोला हुआ था जिसके अंदर जो है वो लोगों को किस बादशाहत किस तरह करनी है वो पढ़ाया जाए, खलीफा कैसे बनना है पढ़ाया जाए, बल्कि लेकिन आप देखें कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, तमाम खुलफाए राशिदीन और बाद के खुलफा भी, वो किस तरह उन्होंने दुनिया पर हुकूमत की, कहाँ से मतलब वो कारोबार करने वाले और भेड़ बकरियाँ चराने वाले लोग जो है वो जहां बीनी और जहां गिरी पे आ गए, पूरे दुनिया को चलाने लग गए। तो उसके पीछे क्या है, कुछ साइंस तो थी, लेकिन उस साइंस का नाम ये नहीं रखा गया था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में ये सब चीजें शामिल थी। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हम चूंकि इंसान की जहन का इर्तिका हो रहा है, तरक्की हो रही है, तो अब हम किसी भी एक इल्म के मुख्तलिफ गोशे उनको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं और फिर उनको मजीद एक्सपेंड कर लेते हैं। तो ये जो आज हम माइंड साइंसेस एक चीज़ है, और फिर उसके बाद जो आपके साइकोलॉजिकल जितनी भी डेवलपमेंट हैं ये सब एक दूसरी चीज़ है, जिनके अंदर बहरहाल काम हो रहा है और बहरहाल इनकी अपनी अहमियत है अपनी अपनी जगह पर। तो हमें ये नहीं करना चाहिए कि अगर कोई शख्स बाकायदा किसी बीमारी से परेशान हो, हम उसको मशवरा ये देंगे भाई तुम कुरान पढ़ो। कुरान पढ़ना वैसे भी था तो हमें भी कुरान पढ़ना चाहिए और उसको भी कुरान पढ़ना चाहिए, लेकिन इस किस्म की बीमारियों या डिसेबिलिटीज के लिए उनके जो रिलेटेड प्रोफेशनल्स हैं उनके पास जाना चाहिए। सही, चलिए यहाँ पे हम एक और ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं तो हम कंटिन्यू करेंगे बातचीत का सिलसिला। आप सुन रहे हैं हया अल फलाह
विद आरजे महावेश, ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी। जी लिसनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं हरियाल अलफला और आज हम बात कर रहे हैं, जैसे आपको पता है कि माइंडफुलनेस पे, और इसके साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं अपनी एक वेलबींग पे। अच्छा, अभी जब आप जिक्र कर रहे थे तो मेरे जहन में एक जो शख्सियत फ़ौरन से आई ना, जब आपने कहा कि मतलब हम इतने आदी हो चुके हैं इन सारी लग्जरीज़ के, और हम लोग अमूमन ये समझते हैं कि चूँकि हम मतलब कोई अगर किसी खाते पीते घराने में पैदा हुआ है और उसके ऊपर कोई मुश्किल आ जाती है, तो अक्सर हमने देखा है कि वो इतना ज़्यादा पैनिक में चला जाता है कि फिर उसकी मतलब जो चीज़ें आसान हो भी सकती थी ना, कुछ अपनी कामयाब ज़िंदगी गुजार भी सकता था, वो बिल्कुल अपने हवास को देता है और वो बिल्कुल नहीं संभल पाता। लेकिन जब हम अपनी तारीख देखें और उसमें हमें जो शख्सियात नज़र आती हैं, उनमें से कई ऐसी हैं जिन्होंने बिल्कुल एक लग्जरी लाइफ को खुद ही उन्होंने जो है ना मतलब सेक्रीफाइस किया, जिनमें एक बहुत बड़ा नाम उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का है, जो जो मतलब जो है एक शहजादे की तरह जिनकी तरबियत हुई, लेकिन जब उनको खलीफा चुन लिया गया तो खौफ खुदा इतना ज़्यादा था कि उन्होंने वो सारी की सारी जो आराम और जो आसाइश और जो सारी चीज़ें थी उन्होंने वो खुद ही ख़त्म कर दी, खुद ही सेक्रीफाइस कर दिया। तो फिर यकीनन मतलब ये जो शख्सियात हैं, या फिर हज़रत उमर, वो उनका एक हमें नज़र आता है, हज़रत उस्मान गनी, मतलब ये सारे जितने भी जो वो हैं शख्सियात, क्योंकि हमारे यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है कि हम लोग समझते हैं कि इस्लाम जब आया तो वो शायद सिर्फ गरीबों ने ही एक्सेप्ट किया था और वो सिर्फ गरीब ही गरीब लोग थे, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों ने अपनी दौलत और सब कुछ, अपनी जान दौलत किसी भी चीज़ की परवाह नहीं की, उन्होंने इस्लाम के लिए कुर्बान कर दी। तो थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि इसको आप प्लीज़ हाईलाइट कीजिए। जी, बल्कि देखें हज़रत ये जो खुलफाए राशिदीन हैं, इनमें से दो तो बाकायदा अमीर कबीर लोग थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी, हज़रत उस्मान गनी भी। हज़रत उस्मान गनी तो इंतहाई मतलब आजकल के हिसाब से तो वो मिलियनर नहीं, शायद बिलियनर हूँ। तो दीन जो है ना, वो बहरहाल एक तो दौलत के होने को या दौलत के ना होने को से मैटर नहीं करता, उसके बारे में वो कोई बात नहीं करता। दीन ये बताता है कि ये दुनिया जो है ये एक इम्तिहान गाह है और ये जाए इम्तिहान है और ये दारुल जज़ा नहीं है, दारुल इम्तिहान है। यहाँ पे इम्तिहान होता है, किसी के पास दौलत है तो वो भी उसका इम्तिहान है, किसी के पास बिल्कुल ही गुर्बत है, फाका है, तो वो भी उसका इम्तिहान है, किसी के पास बहुत सारे बच्चे हैं तो उसका भी इम्तिहान है, और किसी के पास एक भी नहीं है तो उसका भी इम्तिहान है। और इस तरह हर चीज़ जो हमारे पास है वो अल्लाह की एक नेमत है और उस नेमत का सवाल होना है, और हर चीज़ जो हमारे पास नहीं है वो भी अल्लाह की तरफ से एक टेस्ट है। अच्छा, तो जहाँ तक आपने हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की बात की और कुछ ऐसी शख्सियात की बात की जिन्होंने आराम और आसाइशात को बाकायदा छोड़ दिया, तो देखें ये भी बहरहाल दीन का तकाजा नहीं है। ठीक है, हमारा दीन रहबानियत का हुक्म नहीं देता। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जो हैं वो बहरहाल खलीफा वक्त बन गए, तो खलीफा वक्त की जो पोजीशन है उसके तहत उन्होंने ये समझा कि मैं उस तरह रहूं जिस तरह मेरी सल्तनत का, मेरी खिलाफत का हर इंसान रहता है, एक आम इंसान रहता है, मैं उसकी तरह रहूं। तो ये एक समझें कि एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी था जिसकी वजह से आपने जो है ये मामला छोड़े। और वरना दीन जो है वो ये नहीं कहता कि अल्लाह की तरफ से जो अच्छी चीज़ें हैं उनको आप तज दें। ये रहबानियत का कॉन्सेप्ट है, ये आप देखें कि हिंदुइज्म में भी है, साधु बन जाते हैं इंसान दुनिया छोड़ के, जोगी हो जाता है, ये रहबान बन जाता है, किसी ऊपर गार में जाके बैठ जाएं, किसी चट्टान की चोटी पे जाके बैठ जाएं और अल्लाह अल्लाह करें वहीं पर, और दुनिया ने समझा कि जी अल्लाह इसी से मिलता है। ये इस्लाम का एजाज है कि इस्लाम ने दीन को बिल्कुल बाजारों में भी, यानी कि जो बाजार में बैठा हुआ ताजर है उसके लिए अल्लाह, अगर वो नेक ताजर है और वो नाप तोल पे कमी नहीं करता तो उसके लिए जो अजर जुखर का अल्लाह ताला ने वादा किया हुआ है वो भी अजीबो गरीब वादे। तो हमें लेकिन जो बात आपसे ने शुरू की थी कि देखें हम लोग अगर हमारे पास कुछ होता है और वो छिन जाता है तो हम बिल्कुल ही दिल हार जाते हैं, तो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि हमें वो जो दीन हमें बता रहा है कि ये चीज़ तो तुम्हारे पास जो है वो तुम्हारी है ही नहीं, ये चीज तो तुम्हें अल्लाह ने दी है, तो अल्लाह ने अगर दी है तो अल्लाह ले भी सकता है वापस, तुम्हारे पास तो अमानत है, हम तो इसको बस अमानत है, और अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर एक और कर्म ये किया हुआ है कि हमें इस अमानत में से खर्च करने देता है। बल्कि हम ये जो पूरी माइंडफुलनेस और वेल बीइंग की जो बात कर रहे हैं, तो आप देखें कि बात शुरू यहां से होती है
कि इंसान का जिस्म भी अल्लाह की एक अमानत है, इसलिए हम दीन इस्लाम में खुदकुशी हराम है, क्योंकि अमानत है अल्लाह की तो हम इसको ज़ाय नहीं कर सकते। अच्छा, अमानत है अल्लाह की तो हमें इसका ख्याल भी रखना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मेरे पास एक कीमती अमानत आप रखवाएं और मैं उसको जो है वो कहीं भी इधर उधर फेंक दूं। तो हम जो अपने जिस्मों के साथ कर रहे हैं, जो हम अपने जहनों के साथ कर रहे हैं, तो हम अल्लाह की उस अमानत में खयानत कर रहे हैं। तो उसी तरह बाकी की सब चीजें भी, पहले तो हमने अपने जिस्मों का ख्याल रखना है, अपने जहनों का ख्याल रखना है, क्योंकि अल्लाह की अमानत है। अब इस नियत के साथ हम कोई बंदा एक्सरसाइज भी करता है तो ये अल्लाह वो इबादत कर रहा है। ये जो 24 घंटे की इबादत है ना, ये तो होगी इस तरह। नमाजें तो हम 24 घंटे नहीं पढ़ सकते, लेकिन हम अल्लाह के बंदे 24 घंटे हैं। तो अगर हम ये सोचें कि जी जो मैं काम कर रहा हूँ, ये जो एक हदीस आती है कि जी अपनी बीवी के मुंह में जो निवाला भी डालता है इंसान, उसको भी सवाब मिलता है, तो वो तब मिलता है जब वो आदमी इस नियत के साथ काम करता है कि ये अल्लाह का हुक्म है। मैं इस औरत को अल्लाह ताला ने मेरे जो हवाले किया है, मैं इसका अच्छा सा ख्याल रखूंगा, ये मेरे बच्चों की वालिदा है, ये उनकी अच्छी तरबियत करेगी, वो अच्छे मुसलमान बनेंगे। तो अभी बच्चे नहीं भी हुए हैं तो देखें वो ये इस सोच और इस फिक्र के तहत जब काम कर रहा है तो उसके लिए उस निवाले का भी सवाब है। तो ये हमारी पूरी जिंदगी जो अल्लाह के रास्ते में गुजर रही है, इस तरह गुजर रही है कि हम ये सोच रहे हैं कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ, इससे जो स्ट्रेंथ मुझे हासिल होगी, इससे जो नॉलेज मुझे हासिल होगी, जो अकल मुझे हासिल होगी, मैं उसको अल्लाह के दीन के काम में लगाऊंगा। तो हमारा पूरी जिंदगी हमारी जो है वो अल्लाह के रास्ते में गुजर जाती है। जो मुसलमान है उसके लिए बहुत आसान सा मामला है। ये आसाइश थी आपके पास, अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने वापस ले ली। आपके पास दौलत थी, अल्लाह की अमानत थी, अगर वापस चली गई कोई मुश्किल नहीं। हुक्म क्या है आपको? आपको कहा हुक्म है, कहो क़ौलू इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि ये क्या चीज़ है, ये दौलत क्या चीज़ है, ये मेरा मनसब क्या चीज़ है, ये मेरी जो थोड़ी बहुत आसाइशात थी ये क्या चीज़ है। मैं तो खुद अल्लाह की तरफ से आया हूँ, मैं तो खुद अल्लाह की अमानत हूँ, इन्ना लिल्लाही, हम अल्लाह के हैं, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, उसी की तरफ लौट के जाने वाले हैं। तो हमारी दौलत चली गई, हमारे कुछ और चला गया, तो क्या बड़ी बात। इन लोगों के लिए अल्लाह ताला, ये लोग हैं जिनको लिए अल्लाह ताला कहते हैं वो बशर साबरीन, ये हैं सच्चे, ये हैं सब्र करने वाले, और इनके लिए बशारतें अल्लाह की तरह बहुत सी। जी तो लिसनर्स, ये आज का हमारा शो था और यकीनन आपको अपने सवालों के जवाब भी मिले होंगे और आपको ये अंदाज़ा भी होगा कि किस तरह से हमें अपनी ज़िंदगी को गुजारना है कि जो हमारे जो मतलूबा टारगेट्स हैं वो भी अचीव हो जाएं और साथ साथ हम अपनी इस्लाम की तालीमात को भी फॉलो कर सकें। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, हमारी तरफ से अल्लाह